In this section, I will explain how the hedging can take place against foreign exchange risk using swap contracts you, by an example. So, as we are assuming that we are having a situation in which there is a US based company, which computers may deal with computers, then there is another company, which is a German company, and U.S. बेस्ड कंपनी से कुछ सॉफ्टवेयर को ख़रीद के पाकिस्तान में बेचना चाहती है सो एज वी सी के जो जर्मन बेस्ड कंपनी है वो पेमेंट करेगी कोई सॉफ्टवेयर बाय करी है U.S. बेस्ड कंपनी से यूएसए में जो करेंसी इस्तेमाल होती है दैट इज़ यू डॉलर्स पेमेंट जर्मन कंपनी ने प्लान किया यूरोज में पे करने के लिए तो बिकॉज देर इज़ टू टाइप्स ऑफ करेंसीज इन्वॉल्व एंड अगैन वी कैन सी दैट ओवर टाइम देर कुड बी फ्लक्चुएशन इन द फॉरन एक्सचेंज रेट तो दोनों पार्टीज़ जो सॉफ्टवेयर ख़रीद रही है जर्मन कंपनी और जो सॉफ्टवेयर बेच रही है यू एस कंपनी उन वो दोनों फोर्स ही कर कि देर मे बी अ रिस्क क्योंकि फॉरन एक्सचेंज रेट में फ्लक्चुएशन आएंगे और वो जो सॉफ्टवेयर उनसे बाय करना करना चाहते हैं जर्मन कंपनी वाले मे बी दे आर गोइंग टू बाय दिस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर फॉर द नेक्स्ट टेन ईयर्स तो उन्होंने कहा कि हम अगले दस साल तक इसकी आपको रीपेमेंट्स करेंगे सालाना बेसिस के ऊपर सो बिकॉज देर इज़ टेन ईयर टाइम पीरियड इन्वॉल्व और दो तरह के करेंसीज इन्वॉल्व हैं देर विड बी अ लॉट ऑफ रिस्क फॉर बोथ कंपनीज बिकॉज ऑफ द टू कंट्रीज कंपनीज नो के कौन ओवर द टाइम कौन सी करेंसी के लिए फेवरेबल होने वाली है एक्सचेंज रेट तो अब इस किस्म के सिचुएशन में रिस्क को मैनेज करने के लिए फॉरेन एक्सचेंज रिस्क को मैनेज करने के लिए दे माइट गो फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट जिसमें वो अपने आप को हेज करना चाह रहे हैं और हम यहाँ एग्जाम्पल ले रहे हैं स्वैप कॉन्ट्रैक्ट की जिसके थ्रू आई एल एक्सप्लेन के हाउ यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ स्वैप कॉन्ट्रैक्ट्स द टू कंपनीज कैन हेज देम सेल्व अगेंस्ट द फॉरन एक्सचेंज रिस्क तो स्यूमिंग दिस सिचुएशन जर्मन कंपनी कह रही है हम आपको अगले दस साल तक हर साल दस हज़ार डॉलर पे करेंगे एवरी ईयर और टुगेदर देर विल बी टेन पेमेंट्स दस साल का कॉन्ट्रैक्ट है और इसमें वो हैज करें हैं हम रिज्यूम कर रहे हैं कि वो करेंसी स्वैप का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करते हैं स्वैप कॉन्ट्रैक्ट्स को इस्तेमाल कर रहे हैं जिसमें दे विल हैव टू सी एंड लॉक के हमें इस वक्त जो एक्सचेंज रेट है माइट बी ऊपर जाएगा नीचे जाएगा इन द सबसिक्वेंट टेन ईयरस तो विल हैव टू लॉक द एक्सचेंज रेट एट विच द ट्रेड और द पेमेंट्स विल टेक प्लेस सो अभी जब वेन दे गेट इन टू द स्वैप कॉन्ट्रेक्ट देव टू स्पेसीफाई द एक्सचेंज रेट देव टू स्पेसीफाई द टर्म्स एंड कंडीशन दे विल हैव टू स्पेसीफाई द फ्रीकुन्सी ऑफ पेमेंट्स दे विल हैव टू स्पेसीफाई द टोटल टाइम पीरियड ओवर विच दिस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट विल टेक प्लेस तो ये तमाम डिसीशन उनको पहले से लेने पड़ेंगे इसलिए हमने कहा कि ये यहाँ पे हम फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं लेकिन एजिंग हो रही है और स्वैप कॉन्ट्रैक्ट्स की इंस्ट्रूमेंट को इस्तेमाल करके यहाँ पे हेज करने के लिए दोनों पार्टीज़ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रही हैं तो हम डिफाइन ज्यूम हैं सपोज़ जो इस वक्त एक्सचेंज रेट है जब कॉन्ट्रैक्ट टेक प्लेस हो रहा है उस वक्त डॉलर वन पर यूरो का एक्सचेंज रेट प्रिवेल कर रहे हैं मार्केट में इस पर्टिकुलर एक्सचेंज रेट को लेकर उन्होंने अपनी स्वैप कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन किया और उन्होंने बोला कि जो सब्सिक्वेंट पेमेंट होंगी वो इसी एक्सचेंज रेट के ऊपर डिफाइन होने वाली है वहाँ उसको वो लॉक कर देते हैं तो दिस इज हाउ द एंटायर कॉन्ट्रैक्ट विल टेक प्लेस एवरी ईयर दे विल हैव टू जो uh, यूरो की uh, जो पेमेंट है दैट विल बी बेड बाई कंसिडरिंग दिस पर्टिकुलर Exchange rate, which is defined and locked at 1.30, as I mentioned earlier. Uh, when we look at the overall the concept of swap contracts, though this particular concept was uh, originated, it started people started working on this particular type of contracts or they started investing in this type of contracts at international level in early 1980s. Or, abitak to, ye, bohat wide स्प्रेड है ओवरऑल पूरी दुनिया के अंदर इस्तेमाल होता है ये कॉन्ट्रैक्ट की टाइप और इवन पाकिस्तान के अंदर वी सी दैट देर आर मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन मल्टीपल फाइनेंशियल फर्म्स मल्टीपल इंस्टीट्यूशंस जो के स्वैप कॉन्ट्रैक्ट्स में बिजनेस करते हैं व्हेन वी लुक एट द टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स और टाइप ऑफ कमोडिटीज दैट आर इन्वॉल्व इन स्वैप कॉन्ट्रैक्ट्स तो वी सी दैट देर आर वीट एंड ऑयल इस तरह की तमाम चीज़ें प्लस करेंसी इंटरेस्ट रेट स्वैप्स ये तमाम चीज़ें हमें ट्रेड होती हुई बिजनेस होता हुआ नज़र आता है स्वैप एग्रीमेंट्स के थ्रू तो दिस इज़ अनदर वे थ्रू विच यू कैन हैज योर रिस्क और इस एग्जांपल के थ्रू हमने अंडरस्टैंड करने की कोशिश की कि किस तरह से फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व फॉरेन एक्सचेंज रिस्क को आप स्वैप कॉन्ट्रैक्ट्स के थ्रू किस तरह से आप हेज कर सकते हैं